चलिए, अब तक हम लोग ने पढ़ा था शिक्षण सूत्र। अब शिक्षण सूत्र की विशेषताएं क्या होती हैं? शिक्षण सूत्र की विशेषताएं, शिक्षण विधेय वैशिष्टम यानी शिक्षण सूत्र की, शिक्षण सूत्र की विशेषताएं। सबसे पहले पहला है अनेन माध्यमेन बालकानां व्यवहारे परिवर्तन भवति। अनेन माध्यमेन बालकानां व्यवहारे परिवर्तनं भवति। करें इनके माध्यम से, अनेन माध्यमेन यानी इनके माध्यम, अनेक माध्यम से यानी इनके माध्यम से, अनेन यानी शिक्षण विधि के, अनेक शिक्षण विधियों के माध्यम से, अनेक शिक्षण सूत्र, अनेक शिक्षण सूत्र जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जो आपके शिक्षण सूत्र मैंने पढ़ाया है, उन शिक्षण सूत्र के माध्यम से करें, उन शिक्षणों के माध्यम, शिक्षण सूत्र के माध्यम से बालकों के व्यवहार में परिवर्तन भवति यानी परिवर्तन होता है। यदि जितने पहले आपने शिक्षण सूत्र, जैसे पहले आप जो शिक्षण सूत्र हम आप लोग के बीच में अभी जस्ट पहले पढ़ाया, तो उस शिक्षण सूत्र अनेक माध्यम से यानी सूक्ष जो पिछले आप पर पूर्व पढ़ चुके हैं, वो शिक्षण सूत्र पढ़ चुके हैं, उन शिक्षण सूत्र के माध्यम से यदि अध्यापक अपना शिक्षण कार्य करता है, तो बच्चों के व्यवहार में जरूर परिवर्तन होगा, क्योंकि अनुकरणम भवति कह रहे हैं कि बालक अनुकरण ही करता है। और किसका अनुकरण करता है? या तो परिवार में रह करके अनुकरण करे, या कक्ष में शिक्षक का ज़्यादा करके अनुकरण शिक्षार्थी करता है, बालक करता है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन तो आ जाएगा। ये जो है शिक्षण सूत्र का वैशिष्ट यानी विशेषता है। यदि उस शिक्षण सूत्र के माध्यम से कोई अध्यापक प्रयोग करके पढ़ाता है, कक्ष में शिक्षण का कार्य करता है, तो बालकों के व्यवहार में परिवर्तन जरूर होगा। तो सबसे पहले ये विशेषता थी आपके, यानी इस शिक्षण के माध्यम से यदि पढ़ाते हैं तो जरूर जो है बालक के व्यवहार में परिवर्तन होगा। अब कह रही हूँ, दूसरा है संजीव वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए। अब कह रहे हैं संजीव वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए। संजीव वातावरण में जो करें, सजीव में जैसा सजीव वातावरण हो, करें उस वातावरण में इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। कहते हैं कि सजीव का मतलब आप लोग भी नहीं जानते होंगे, सजीव और निर्जीव के बारे में आप लोग जानते हो। सजीव का मतलब कक्ष में पहले उसका माहौल बनाया जाए, यानी शिक्षण का माहौल बनाया जाए, उस प्रकरण का माहौल बना जाए, उसे करें कि माहौल कब बनेगा? यदि हम इन शिक्षण सूत्र का प्रयोग हम करेंगे, तब जाकर के उस शिक्षा कक्षा में माहौल बनेगा, यानी जीवित हो जाएंगे, संजीव हो जाएगा, वातावरण ऐसा हो जाएगा, माहौल ऐसा हो जाएगा कि शिक्षण का माहौल हो जाए, उस प्रकरण का माहौल हो जाएगा। जब उसमें जीवित कर देंगे, जिज्ञासा उत्पन्न कर देंगे, रुचि उत्पन्न कर देंगे, तब ऐसे वातावरण में यदि हम शिक्षण कार्य करते हैं तो हमारा शिक्षण कार्य प्रभावशाली होगा। और अगर इसके विपरीत अगर हम कार्य करते हैं तो हमारा शिक्षण प्रभावशाली नहीं होगा। और ये शिक्षण कह रहे हैं कि अब इसमें विशेषता ये है कि शिक्षण की विशेषता है कि जब भी शिक्षण कार्य करना चाहिए सजीव वातावरण में करनी चाहिए। अगर सजीव वातावरण में हम नहीं करेंगे तो हमारा शिक्षण प्रभावशाली नहीं होगा। पहले जागृत करिए, माहौल बनाइए, कक्षा में माहौल बनाइए शिक्षण का, अपने पाठ्यक्रम का, तब जाकर के आप शिक्षण करेंगे। उस वातावरण में यदि आप शिक्षण कार्य करेंगे तो जरूर आपका शिक्षण कार्य प्रभावशाली होगा। अब आगे चलते हैं, दूसरा विशेषताएँ देखते हैं। अब देखते शिक्षण वैशिष्टम का तीसरा विशेषता क्या है? ये कहते हैं इदम शिक्षण विधे क्रियते अधिगम सिद्धांते भवितव्य।
कहते हैं कि इदम शिक्षण, क्या है, इदम शिक्षण विधि, इदम शिक्षण विधि इदम शिक्षण विधे क्रियते है अधिगम सिद्धांते भवितव्य। कहते कह रहे हैं ये तीसरी विशेषता ये है कि शिक्षण विधि करके सीखने पर आधारित होनी चाहिए। कह रहे हैं इदम शिक्षण यानी शिक्षण विधि क्रियते है यानी करके सीख, अधिगम माने सीखना, सीखने पर सिद्धांत भवितम यानी सीख कर करें करके सीखने पर आधारित होना चाहिए। इदम शिक्षण भी फिर पुनः पारायण कर दे रहे हैं, इदम शिक्षण विधे क्रियते है अधिगम सिद्धांते भवितव्यम। ये कहते हैं कि जो भी शिक्षण हो ऐसा शिक्षण हो कि बालक करके सीखे यानी करके सीखने पर आधारित हो। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है अगर इस शिक्षण सूत्र के माध्यम से अगर शिक्षण कार्य एक अध्यापक करता है कक्षा में, तो कक्षा में अगर शिक्षण कार्य करता है तो बच्चा जो है शिक्षार्थी बालक जो भी कह लीजिए तो वो करके सीखता है। नहीं करें कि अजी शिक्षण के माध्यम से यदि ऐसा कार्य करता है तो बालक जो है करके सीखना, और किसी चीज़ को करके सीखा जाए अगर स्वयं करके सीखता है तो कभी भी वो विस्मरण नहीं होता है। और ऐसा अगर करके सीखने के लिए प्रेरित करना, अगर करके ऐसा मजबूर कर देना है शिक्षार्थियों को कि खुद वो करके अधिगम करे यानी करें सीखे, और इसका अगर ये शिक्षण यानी इन शिक्षण सूत्रों के माध्यम से अगर शिक्षण कार्य हो रहा है तो बालक अवश्य ही करके सीखने का प्रयत्न करेगा। ये अब तक था तीसरा विशेषता था शिक्षण विशेषता शिक्षण तीसरा शिक्षण विधि था विशेष शिक्षण विधि की विशेषताएं थी। अब चलते हैं अगला पॉइंट है शिक्षण विधे गत्यात्मक, शिक्षण विधे गत्यात्मक भवितव्यम न अपि स्थिरात्म। आप थोड़ा सा संस्कृत जानते होंगे तो संधि विच्छेद करके अगर पढ़ेंगे तो अर्थ को आप स्पष्ट कर ले जाएंगे। और सीटेट में यही होता है कि आप जब तक आप पढ़ना नहीं जानते हैं पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ेंगे ही नहीं तो सही तरीके से पढ़ेंगे ही नहीं तो आप स्पष्ट रूप से आता हुआ भी सही उत्तर आप गलत करके आते हैं स्टेट में। अगर हम आप पढ़ना जान जाएं और पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है व्याकरण, व्याकरण रीढ़ की हड्डी कही जाती है। जैसे मनुष्य के शरीर का शरीर में रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए तो वो प्रत्येक अंग उसका काम नहीं करता है, उसी प्रकार संस्कृत हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो का ग्रामर हो यदि किसी व्यक्ति को नहीं आता है तो ना तो सही तरीके से उच्चारण कर सकता है और ना सही तरीके से व्याख्या कर सकता है, ना तो उसके अर्थ को भी जान सकता है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि व्याकरण पर जो विशेष जोर दें, और व्याकरण के माध्यम से अगर व्याकरण आप जान जाते हैं तो संधि विच्छेद करना आप अवश्य जान जाएंगे, वर्णों का परिचय हो जाएगा, उन वर्णों का स्थान क्या है कि तब अगर वर्णों के स्थान के बारे में यदि आप जान जाएंगे तो आपको उस वर्ण का उसी स्थान से निकालेंगे तो वर्तनी आपकी शुद्ध होगी। तो सीटेट में संस्कृत में पूछा जाता है, मैंने इसीलिए आप लोग को बता दिया कि व्याकरण ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्याकरण को जान लेंगे तो शिक्षण के जो संस्कृत में प्रश्न पूछा जाता है तो आप उनके अर्थ को भाव के जान लेंगे, भाव को जानने के बाद ही उसके अर्थ को ग्रहण करेंगे तो तब आपको पता चलेगा ये पूछ क्या रहा है, तब आप सही से उत्तर दे सकते हैं। यदि आपको भाव ही नहीं प्रकट होगा, भाव ही नहीं जान पाएंगे तो आप उत्तर जानते हुए भी गलत करके आते हैं, और कहते हैं कि कोचिंग में जो पढ़ाया गया था वो नहीं मिला। तो सबसे हमसे आप लोगों से निवेदन है कि आप जरूर व्याकरण को पढ़ें, विशेष रूप से व्याकरण के साथ साथ शिक्षण भी आप पढ़िए तो सही तरीके से आपका दोनों व्याकरण और शिक्षण दो की आपके सीटेट में व्याकरण 15 नंबर का आता है और व्याकरण शिक्षण भी जो है 15 नंबर के आता है।
शिक्षण सूत्र की विशेषताएं चलते हैं। शिक्षण सूत्र की विशेषताओं की ओर जहाँ पर हमने छोड़ा था, ये कहते हैं कि शिक्षण विधि गत्यात्मक, शिक्षण विधि गत्यात्मक होनी चाहिए, गतिशील होना चाहिए। और गति कब होगा? जब हम इन शिक्षण सूत्रों के माध्यम से पढ़ाएंगे तब हमारा शिक्षण गतिशील होगा, स्थित ना हो। गतिशील अगर हमारे शिक्षण से हमारा शिक्षण प्रभावशाली है तो व्यक्ति कुछ गतिशील बन जाएगा, वो कुछ करने के लिए प्रयत्न करेगा, उस पर जो आप पढ़ाएं उस पर गति यानी उस पर जो है वो चलने का प्रयत्न करेगा, गतिशील हो जाएगा। अगर यदि करें कि गतिशील होना चाहिए भवत्यव न स्थितात्मक, न कि स्थित होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो गतिशील हो। शिक्षण करने के बाद यानी कि शिक्षण करने के बाद बच्चा गतिशील हो जाना चाहिए, जो पढ़ाया उस पर उस कार्य पर लग जाना चाहिए। यानी जो उसको नहीं आ रहा है उसको पूछने का उसी समय पूछ ले, ऐसा कर देना, इतना माहौल बना देना है, न कि स्थित हो जाए। यानी न कि ऐसा कर दें, ऐसा शिक्षण कार्य कर दें कि वो स्थिर ही हो जाए, गतिशील न हो जाए, जहाँ का तहाँ ही रह जाए। यह सबसे बड़ा गुण है शिक्षक के अंदर। शिक्षक का जो शिक्षण कार्य होता है अगर वो सही तरीके से शिक्षण कार्य करता है और प्रभाव उसका शिक्षण प्रभावशाली होता है तो बच्चा गतिशील ही बन जाता है, कक्षा भी गतिशील हो जाता है। इससे कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं कि जो उनके शिक्षण प्रभाव शिक्षण में जब रुचि नहीं लेंगे बच्चे शिक्षार्थी रुचि नहीं लेंगे तो जब उनके अंदर जिज्ञासा नहीं हो उत्पन्न होगा, उनके अंदर आत्मबल नहीं उत्पन्न होगा तो वो स्थित ही रह जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है शिक्षण सूत्र का मतलब होता है, शिक्षण सूत्र की जो विशिष्ट है यानी विशेषता है वो ये है कि गतिशील हो जाना, स्थित न हो जाना। अब आगे हम चलते हैं, आगे है अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भवितव्यम। हम बार बार संस्कृत को पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप कंठस्थ कर लें। पारायण विधि प्राचीन काल की जो पद्धति है पारायण विधि से चलता था, न लेखन का कार्य था। संस्कृत एक ऐसा है सिर्फ उसको याद करने से, स्मरण करने से नहीं, अभ्यास करने से, बार बार पढ़ने से वो कंठस्थ स्तरीकरण हो जाता है। जैसे प्राचीन काल में पद्धति होती थी, जैसे अभी आगे हम पढ़ाएंगे जब गद्य शिक्षण पढ़ाएंगे तो उसमें हम पारायण विधि का भी प्रयोग करेंगे। पारायण का मैंने बता भी दिया था कैसे वो लोग वैदिक कालीन शिक्षा में कैसे सब उसका स्मरण करते थे, चलते भी, खाते पीते भी, डोलते भी, कार्य करते भी, जैसे भी संस्कृत का जो सूत्र होता था, श्लोक होता था, वो पारायण करते रहते थे, बार बार पारायण करते थे। और बार बार पारायण करते जब करते थे तो स्मरण हो जाएगा ही। तो हम चलते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण भवितव्यम, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण भवितव्यम। वैज्ञानिक दृष्टिकोण नाम से परिचित हैं आप सब, परिचित हैं आप नहीं, सब लोग जितने भी ऑनलाइन हैं सब लोग परिचित हैं, और जो भी कक्षा में बैठे हुए हैं वो भी परिचित होंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भवितव्यम यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण कह रहे हैं कि जो शिक्षक का एक शिक्षण सिस्टम विशेषता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भवितव्यम यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, ये शिक्षण का विशेषता थी। अब तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण तब होगा जितने आप पूर्व पहले शिक्षण सूत्र पढ़ लिए होंगे, वो इसके माध्यम से ही उसके जो भी शिक्षण करते हैं, एक अध्यापक का जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। एक अध्यापक होने के नाते मैं बता रहा हूँ, शिक्षण पढ़ाने के नाते संस्कृत में एक जो शिक्षण सूत्र की विशिष्टता है, अध्यापक के अंदर ये क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, और ये शिक्षण सूत्र का विशेषता है। अगर इन्हें अनेक माध्यम से अगर पाठ किया जाए तो जो है, और इसमें कहते हैं कि शिक्षण विधि सिस्टम में कहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भवितव्यम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं,
अगला पुंड है बालकानाम सर्वांगीण विकास भवितव्यम। बालकानाम सर्वांगीण विकास भवितव्य विकास बालकानाम सर्वांगीण विकास भवितव्य। बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। अगर इस शिक्षण के माध्यम से हम इस शिक्षण सूत्र के माध्यम से यदि हम पढ़ाते हैं अपना शिक्षण कार्य करते हैं तो इस शिक्षण सूत्र के माध्यम से अगर बालकों का बालकों के अंदर विकास होगा तो सर्वांगीण विकास होगा। और शिक्षा का अर्थ भी यही होता है करें कि बालकों का सर्वांगीण विकास करना। और शिक्षक एक शिक्षक के ये भी गुण होना चाहिए कि ऐसा शिक्षण कार्य किया कर दिया जाए जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। ये शिक्षण सूत्र के ही माध्यम से ही शिक्षण सूत्र के माध्यम अन्य शिक्षण सूत्र के माध्यम से ही बालकों में भी ऐसा सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। अगर शिक्षण सूत्र का अध्याय कोई भी गुण अगर शिक्षण के शिक्षक के अंदर नहीं है तो वो जो है उस वो अपने शिक्षक शिक्षण के माध्यम से बालक के सर्वांगीण विकास कर ही नहीं सकता। तो इस शिक्षण सूत्र के माध्यम से अगर अपने शिक्षण कार्य को यदि करता है तो वो जरूर ही बालकों के सर्वांगीण विकास करेगा। सर्वांगीण विकास की सब तरह से विकास उसका हो ये शिक्षण सूत्र का यानी शिक्षण सूत्र की विशेषताएं थी। यही विशेषताएं हैं। अगर इस शिक्षण सूत्र के माध्यम से यदि शिक्षण कार्य कर किया जाए अगर एक शिक्षक करता है तो इन सभी की जो बालकों का सर्वांगीण विकास है यानी बालक का सर्वांगीण विकास होता है। चले आए आप शिक्षण कार्य करने आप रोचक नहीं है आपके अंदर शिक्षण सूत्र का कोई गुण नहीं है आपने प्रयोग नहीं किया है तो आप कक्षा में अगर जाते हैं तो आपकी जब रुचि नहीं लेगा अगर आपकी शिक्षण प्रभावशाली नहीं होगा तो बच्चा शोरगुल करेगा तो आपको दिक्कत होगी और अगल बगल भी पढ़ने नहीं देगा। तो अगर शोरगुल करता है तो कुछ जो शिक्षण कार्य नहीं किए शिक्षण सूत्र को नहीं जानते हैं तो शोरगुल करने वाले बच्चों को दंडित करते हैं जा करके उसको दंडित करते हैं। तो ये शिक्षक का गुण नहीं है। उसको सबसे पहले जानना चाहिए क्यों वो जो है शोर कर रहा है कक्षा में मुझे पढ़ाने नहीं दे रहा है मेरे शिक्षण कार्य में बाधाएं पड़ रहा है। तो सबसे पहले उसके कारण को जानिए। कारण हो सकता है शिक्षक ही नहीं अच्छा पढ़ाता हो सकता है शिक्षक जो शिक्षण कार्य कर रहा है कठिन होने के नाते वो उसको कठिन लग रहा है इसलिए वो रुचि नहीं ले रहा है। हो सकता है शिक्षक शब्दों को जो कठिनता है उसको सरलता से न बताता हो यानी शिक्षक की भी गलती हो सकती है। तो इस कारण से अगर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करके यदि हम पढ़ाते हैं तो शिक्षण कार्य प्रभावशाली होगा और बालकों का सर्वांगीण विकास होगा। ये था आपका शिक्षण सूत्र की विशेषताएं। अब आगे हम चलते हैं डस्टर कमेंट में आप जरूर लिखिएगा जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ शब्द अगर हम मिटाएं तो कैसे मिटाएं उस मिटाने का तरीका क्या है। और क्या मैं ये आप लोग से पूछना चाहता हूँ क्या ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ जब पढ़ा शिक्षण करने के बाद जो शिक्षक ब्लैक बोर्ड सैंपट पर लिखा हुआ है क्या उसको मिटा देना चाहिए कि नहीं मिटा देना चाहिए या उसको लिखा हुआ छोड़ के चला जाना चाहिए इसका भी आप जवाब दो जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं अब तक शिक्षण सूत्र पढ़ लिए थे अब देखिए अभी सबसे यही है जो पद्य और गद्य नाटक शिक्षण कथानक शिक्षण व्याकरण शिक्षण चलेगा। अब तो आप शिक्षण सूत्र पढ़ रहे थे जिसके माध्यम से हम बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास कर सकते थे। अब हम चलेंगे किस पे चलेंगे हम चलेंगे शिक्षण विधियाँ। शिक्षण सूत्र पढ़े थे लेकिन अब हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियां।
बस परिचय बता दूंगा, समय ज़्यादा हो गया है और मैं थोड़ा सा उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगले दिन मैं फिर से आप लोग के बीच में लेके आऊँगा। शिक्षण विधियाँ त्रयः विधि करें, शिक्षण विधि कितने विधि होती है, त्रयः विधियः यानी शिक्षण की विधियाँ कितनी होती, त्रय माने होता है तीन, कहते हैं कि त्रय माने क्या होता है, तीन होता है। नहीं ऐसे ये हमारे करने का दूसरा ही स्टाइल थोड़ा सा है जो शायद किसी लोग को पसंद होगा, लेकिन मैं ऐसे ही करता हूँ, मतलब तीन ही, त्रय माने तीन। हाँ ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, देखिए ऐसे इसलिए करते हैं अगर कोई किसी का पैर स्पर्श कोई करता है, जब तक ये ऐसे करके आशीर्वाद नहीं देता है तब तक उसका आशीर्वाद सफल नहीं होता है। ये है वैदिक साहित्य में लिखा गया है, हम लोग पढ़े थे तो यमय में था कि अगर कोई बच्चा पैर स्पर्श करता है या नमस्ते करता है या प्रणाम करता है, जब तक हाथ उठा करके ऐसे आशीर्वाद नहीं देता है तब तक वो सफल नहीं। अब आजकल के आधुनिक युग आ गया है, सर नमस्ते ऐसे पूरा करके करते हैं, नहीं वो स्टाइल नहीं, सर नमस्ते ऐसे करेंगे तो आशीर्वाद भी दे रहे हैं तो ऐसे ही दे रहे हैं। चलते हैं अपने प्रकरण पर, और आप लोग तो बहका दिए, कमियाँ ना देखें, आप लोग कमियाँ ना देखें और जो आपको उपयोगी हो वो ले लीजिए, अच्छा रहेगा। शिक्षण विधि त्रय विधि, त्रय रूपम भवति, क्या त्रय रूपम भवति, त्रय रूपम भवति करें कि शिक्षण विधि जो है त्रय रूप में तीन रूप होता है। शिक्षण विधि के कितने रूप होते हैं, तीन रूप होते हैं। हम क्रमशः तीनों का नाम बता देंगे अगली बार, कल मैं आप लोग के सामने फिर आऊँगा। पहला शिक्षण विधि प्राचीन विधि है, प्राचीन विधया, प्राचीन विधया, इसको मौलिक विधि भी कहते हैं। दूसरा है प्राचीन विधि के बाद दूसरा है मौलिक विधि नवीन विधि। इस नवीन विधि को विधेया, नवीन विधेया, इस विधि को अर्वाचीन विधि कहते हैं। अर्वाचीन विधि तीसरा है, नवीनतम विधि तीसरा है, नवीनतम विधि। ये था शिक्षण विधियाँ, अभी से चलेगा, आप तो शिक्षण सूत्र पढ़ रहे थे लेकिन शिक्षण विधियाँ चले, और शिक्षण विधियाँ लंबे समय तक चलेगा, जैसे पद शिक्षण भी पढ़ेंगे आप, गद्य शिक्षण भी पढ़ेंगे आप, और कथा कथानक शिक्षण विधि भी पढ़ेंगे आप, संस्कृत शिक्षण भी पढ़ेंगे आप, व्याकरण शिक्षण भी पढ़ेंगे आप, और फिर उसके बाद हम आपको कौशल लेके आते हैं। अब बस आज तक इतना ही। ई लर्निंग विथ दुर्गेश सर में आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन।